जिला इंतजामिया कारगिल ने आज दो जिला का दौरा किया, जहां पर बर्फ हटाने का काम बड़ी तेजी से जारी है और जितनी जल्दी हो सके लद्दाख को दुनिया के दीगर मुकामात से जोड़ने का काम चल रहा है। आज इस दौरे के दौरान चेयरमैन लद्दाख खुद मुख्तियार पहाड़ी तरक्याती काउंसिल फिरोज अहमद खान, SSP कारगिल और उनके हमरा DC कारगिल मौजूद थे। CC फिरोज अहमद खान ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि आने वाले वक्त में जोजिला पास जितनी जल्दी हो सके खोल दिया जाएगा और उन्होंने कहा कि रमजान का पवित्र महीना अब से कुछ ही दिनों बाद शुरू होने वाला है, जिसके चलते जोजिला पास खोलना बेहद जरूरी है ताकि बाजार में ताजी सब्जी मटन वगैरह पहुंच जाए, जिससे लोगों को सहूलियत हो। फिरोज अहमद खान ने यह भी कहा कि बीकन की तरफ से काफ़ी मेहनत की जा रही है जोजिला पास खोलने के लिए और उन्हें कहा कि गांदरबल इंतजामिया और लद्दाख UT इंतजामिया की मीटिंग करने के बाद गाड़ियों की आमोदरफ्त को मुकम्मल तौर पर खोला जाएगा। देखिए, अभी जैसे आपने कहा कि कनेक्ट बेशक हुआ है, अभी इस वक्त तो हम आपका ऑलमोस्ट 0 पॉइंट के आसपास खड़े हैं, लेकिन हम इससे आगे भी कहें ऑलमोस्ट इंडिया गेट तक भी। लेकिन इतना मैं पहले कहना चाहूँगा कि जो डिस्पाइट हैवी स्नोफॉल जो क्लियरेंस का काम हुआ है दोनों साइड से, चाहे वो बेकन के साइड से हो चाहे विजय के साइड से, बहुत अच्छा इन्होंने क्लियरेंस जो है बहुत अच्छा किया है। लेकिन अभी चूंकि अभी आपका एक तो है कि वाइडनिंग का काम करना बाकी है, आपका वो काफ़ी नेरो है। सेकेंडली, अभी बहुत से जगह जो हमारे एवलांच जोन है, एवलांच आना बाकी है, तो उसका भी ख़तरा भी है कि किसी भी वक्त एवलांच आ सकता है। तो अभी जहाँ तक मूवमेंट का सवाल है, ये जब तक ना बेकन और विजय से पूरा असेसमेंट लेके हमारी दोनों एडमिनिस्ट्रेशन, चाहे वो कारगिल एडमिनिस्ट्रेशन, कारगिल पुलिस, गांदरबल एडमिनिस्ट्रेशन, गांदरबल पुलिस, सारा जो है बेकन और विजय से उनका असेसमेंट लेके एक डिसीजन जो है वो लिया जाएगा आपका। बाकी हमारी कोशिश, हमने पहले भी ये कहा है कि चूँकि हमारा मुकद्दस महीना रमज़ान का आ रहा है, तो उसके लिए बेशक लोगों को अभी हमारे मार्केट में इतनी शॉर्टेज तो नहीं है, लेकिन हम चाहते हैं कि रमज़ान से पहले कुछ फ्रेश जो चीज़ें हैं हमारा, जैसे सब्ज़ी हो, मटन हो, चिकन हो, वो मार्केट में पहुंच जाए। उसके लिए हमारी दोनों एडमिनिस्ट्रेशन मिलकर बात करेगी और हो सके तो रमज़ान से पहले वो चीज़ें मार्केट में आ जाएंगी। बाकी पैसेंजर मूवमेंट का जो है वो काफ़ी केयरफुल अभी रहना पड़ेगा, क्योंकि एवलांच, पहले मैंने कहा कि एवलांच अभी आना बाकी है, उसके लिए प्रॉपरली एक असेसमेंट करके हाई लेवल पर एक डिसीजन लिया जाए। सर, जब तक ना दो सारे स्टेक होल्डर्स मिल के नहीं बैठेंगे, जिसमें भी मैंने पहले भी कहा आपका विजेक है, बेकन है, दोनों एडमिनिस्ट्रेशन, कारगिल एडमिनिस्ट्रेशन, गांदरबल एडमिनिस्ट्रेशन, ट्रैफिक पुलिस, डिस्ट्रिक्ट पुलिस, बैठ के प्रॉपरली डिसीजन लिया जाएगा कि फॉर पैसेंजर्स ट्रैफिक मूवमेंट के लिए। लेकिन चूंकि पहले मैंने कहा कि जो एसेंशियल कमोडिटीज़ के लिए हो, फ्रेश के लिए हो, उसके लिए हम ये कोशिश कर रहे हैं कि इनके साथ सब मिल बैठ के अर्ली इन द मॉर्निंग मूवमेंट्स से चला के कुछ सामान जो है हमारे मार्केट में रमज़ान से पहले पहुँच जाए। सर, जिस तरह देखिए, मेरे ख्याल में जो हम मशीनरी देख रहे हैं वो काफ़ी है यहाँ पे ना आपका। पहले इन्होंने कनेक्ट करना इनका काम था, वो कर लिया, क्योंकि एक आपका स्पेस चाहिए पहले, वो स्पेस इन्होंने ले लिया, तो वाइडनिंग के लिए ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अलबत्त जो एवलांच जोन है, जहाँ पर एवलांच आना बाकी है, वो थोड़ा सा डेंजर जोन है, उसके लिए थोड़ा सा एहतियात बरतना पड़ेगा। जी, थैंक यू। अगर आपका सपना कोई सरकारी नौकरी का है और अभी तक नहीं हुआ है सफल, तो देर किस बात की, आज ही ज्वाइन करें करियर अड्डा जम्मू। जम्मू कश्मीर का एक ऐसा इंस्टीट्यूट जो बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए लगातार फ्री कोचिंग मुहैया करवा रहे हैं। JKSSB, पंचायत सेक्रेटरी, SSC, बैंकिंग और अन्य गवर्नमेंट जॉब एग्जाम्स के लिए हर सोमवार को नए बैचेस शुरू होते हैं। पिछले 4 साल में लगभग 2000 से ज्यादा बच्चे अपने सपनों को पूरा कर चुके हैं। अगर आपका भी सपना है सरकारी नौकरी का, तो हमारा पता है करियर अड्डा जम्मू, गुरुद्वारा रोड, ऑपोजिट डॉक्टर दारा सिंह क्लिनिक, रिहाड़ी चुंगी, जम्मू।